Hello students, welcome to maths class. This is Shilpa Sapra, your maths teacher from Raj International School. Students, I hope you all are doing good. Students, we are learning chapter number 7, fractions. In previous video, we have done exercise 7.2. In this session, we will learn about equivalent fractions. Okay, so let's start from equivalent fractions. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है, हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं. टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन नंबर फ्रैक्शन यू मे मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर. किसी भी फ्रैक्शन नंबर का अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो आपको क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं. किनको? न्यूमरेटर्स को और डेनोमिनेटर्स को. लेकिन करना किससे है, गिवन फ्रैक्शन को किससे करना है, हमें सेम नंबर से. ठीक है, जिस नंबर से हम अगर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर से हमें डेनोमिनेटर की भी मल्टीप्लाई करनी होती है. तो इसको एक एग्जांपल से हम सॉल्व करते हैं. सपोज मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं. फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/5. मुझे अगर इसके 6/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने, तो हम क्या करेंगे, गिवन नंबर्स को हम या तो डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई. लेकिन इस केस में हम नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स किसी भी सेम टेबल में नहीं आ रहे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6/5 को अगर मैं पहले 2/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 1 से करूंगी तो 6/5 ही मुझे मिलेगा. ठीक है, अब मुझे इसका इक्विवेलेंट चाहिए. 6/5 को मैं किससे करूंगी, 2/2 से. इट मींस न्यूमरेटर को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और डेनोमिनेटर को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. तो 6 2 12, 5 2 10. तो इट मींस 6/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, 12/10. अगर मैं इसका सेकेंड जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालती हूँ, तो हम इसकी मल्टीप्लाई, 2 के बाद हम 3 ले लें नंबर, 3/3. 6 की मल्टीप्लाई 3 से, 5 की मल्टीप्लाई भी 3 से. 6 3 18 एंड 5 3 15. तो 6/5 का नेक्स्ट जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो हुआ 18/15. इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6/5 की 4/4, तो 6 4 24 एंड 5 4 20. ठीक है, इन केस अगर मुझे क्वेश्चन में ऐसे पूछा हो 24/20 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले, जो मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था कि हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो डिवाइड कैसे करेंगे, 24/20 को अगर मैं दोनों ही नंबर्स को 4 से डिवाइड करती हूँ, 24 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 6, यानी ये वाला नंबर. 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर 5. तो क्लियर है, हम डिवाइड करके हमने कौन सा आंसर लिया, 6/5. यही हमने 6/5 की मल्टीप्लाई लेकर जो आंसर लिया था वो था 24/20. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब समटाइम्स आपको बुक में जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.3 में जो क्वेश्चंस है, 1 से लेके जो 5 क्वेश्चंस है, वो इसी बेस में कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस. ठीक है, अब इन केस मैंने अगर इस क्वेश्चन में 6/5 मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2/4 में मैंने ब्लैंक स्पेस दे दिया, इज इक्वल टू 12/10. तो आप तो इजीली मुझे बता दोगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, कि मैम यहाँ 2 लिया है तो यहाँ भी 2 ही लेना है. ठीक है, लेकिन इन केस अगर मुझे ये चीज नहीं बताई गई और कहा गया कि ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तब हम क्या करेंगे, जैसे 5/3 मल्टीप्लाई करके यहां तो मुझे 15 दे दिया, ठीक है, 3 से यहां मुझे क्या आएगा, दो जगह मुझे ब्लैंक स्पेस दे दिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बोल रहा है. 5/3 को अगर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक जो पार्ट गिवन है उसमें यहाँ पे 3 ब्लैंक स्पेस दे दिया, 3 लिख के, नीचे वाले में डेनोमिनेटर ब्लैंक है, इस वाले में भी,
डेनोमिनेटर ब्लैंक, तब हम क्या करेंगे, 5 थ्री जा 15, 15 आ रहा है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए साइन भी दे रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ भी क्या नंबर लेंगे 3, 3 थ्री जा 9, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा 3 थ्री जा 9। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड और फोर्थ है वो इस तरीके से है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको गिवन फ्रैक्शन है 3/5, अब 3/5 में कंडीशन दे दी, ए पार्ट में आपको दे दिया कि आपको न्यूमरेटर इसका क्या बनाना है, इसका आपको सॉरी डेनोमिनेटर क्या बनाना है 20। अब 3/5 का मैं डेनोमिनेटर क्या बनाऊंगा, मुझे बोला गया है 20 बनाओ, ठीक है। अब समझ में आ गए होंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के अदर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।